हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की नींद के बारे में। जब भी हमारे घर में नया नया बेबी आता है तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम उसके नींद के पैटर्न को समझ ही नहीं पाते हैं। जब नया बेबी घर में आता है तो सब बस अपना माइंड सेट तो करते हैं कि हाँ, ये हमें परेशान करेगा, हमें रात में भी जगना पड़ेगा। लेकिन जब वो हमें रातों को जगाना शुरू कर देता है तो हम इतना इरिटेट हो जाते हैं कि फिर हम ये सोचते हैं कि इसको अपन दिन में जगा कर रखते हैं ताकि अपने साथ रात में सोना स्टार्ट कर देगा। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये गलती करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम बच्चे को अपनी तरीके से जगा या सुला नहीं सकते, आपको थोड़े दिन के लिए मैनेज करना ही पड़ेगा। स्टार्टली जब बच्चा घर में आता है तो 1 मंथ और 2 मंथ तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपको होगी ही। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसे दिन में जगा कर रखूँ तो ये रात में सो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि आप अपने बच्चे को इरिटेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि जब वो सोना चाहता है दिन में, हमने उसे सोने नहीं दिया, तो वो बहुत चिड़चिड़ाने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा। और रात में क्या होगा कि जब उसकी दिन की ही नींद पूरी नहीं होगी तो वो रात में भी ठीक से नहीं सोएगा। तो ऐसे में आपने उसका दिन भी ख़राब किया और आपने उसकी रात भी ख़राब की। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो न्यू बेबी होते हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सोते हैं कि अगर आप उसे दिन भर भी सुला कर रखेंगे तो भी वो रात में काफ़ी हद तक उतना ही सो जाएगा जितना उसे सोना है। तो आप उसे दिन में जगा कर रखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो छोटा बेबी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सोता है, 17-18 घंटे तक सोता है। तो जब भी वो दिन में सोता है आप ये सोचकर उसे बिल्कुल ना उठाएं कि वो रात में ताकि सो जाए। आप उसे दिन में जितना सो रहा है वो अपने हिसाब से जितनी नींद चाहता है आप उसे लेने दीजिए। आप उसे दिन में जितना सो रहा है सोने दीजिए। जब वो अपनी मर्जी से उठता है तब आप उसे खिलाइए। उसके बाद वो दोबारा सोना चाहता है तो दोबारा सोने दीजिए। इससे क्या होगा, आप खुद उसमें चेंजेस देखेंगे कि वो दिन में तो सोएगा ही, और जिस दिन वो दिन में अपनी अच्छी नींद पूरी करेगा उस दिन वो रात में भी अपनी अच्छी नींद पूरी करेगा। तो आप उसके जो नींद के पैटर्न को है समझिए, वो जब सोना चाहता है उसे तब सोने दीजिए। और रही बात कि बच्चा रात में कब सोना सीखेगा, तो कुछ महीने बाद वो अपने आप धीरे धीरे सोना सीखने लगेगा जब वो दिन और रात का अंतर समझने लगेगा। अभी अभी वो नया इस दुनिया में आया है तो आप उसे टाइम दीजिए, धीरे धीरे उसे समझने दीजिए कि ये सा माहौल कैसा होता है। जब मेरा बेबी हुआ था तब यही सबसे बड़ी गलती हमने भी स्टार्टिंग में पहले की थी कि हम सोचते थे ये रात में बहुत परेशान करती है तो अपन इसको दिन में सुलाना जगाना शुरू कर देते हैं ताकि ये रात में सो जाया करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ, इससे और वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी, बहुत गुस्सा करने लगी थी छोटे में ही। पर जब हमें ये चीज़ पता चली कि बच्चों को नींद जब आती है तब उसे सोने दीजिए, और जब ये चीज़ हमने उस पर अप्लाई की तब हमने बहुत बड़ा अंतर उसमें देखा। वो दिन में जब अच्छी नींद अपनी पूरी करती थी उस दिन वो रात में भी बहुत अच्छे से सोती थी। तो आप बेबी को सोने दीजिए, इससे उसकी नींद भी पूरी होगी और उसका अच्छे से मानसिक विकास भी हो सकेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।